हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव्यास क्विक रेसिपी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम गए थे मुंबई आगरा नेशनल हाईवे के पास, एक रॉयल बेकर्स नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है नासिक महाराष्ट्र में। तो आप गाइस कभी भी नासिक में जाएं तो वहाँ पर रॉयल बेकर्स नाम की शॉप पर अच्छे से स्ट्रीट फूड टेस्ट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको वेज, चाइनीज़, साउथ इंडियन सभी तरह की डिशेस मिल जाएंगी। तो वहाँ पर बनाई जा रही थी गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गरम किया जा रहा था और एक मसलिन क्लॉथ लेकर उसमें अच्छे से फर्मेंटेड बैटर को भर दिया गया था। उसके बाद उस बैटर से जलेबी तैयार की जा रही थी। इस बैटर की सहायता से काफ़ी सारे स्पाइरल्स बनाए जा रहे थे गर्मा गर्म तेल में। इस तरह से राउंड राउंड शेप की जलेबी बनाई जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जलेबी बन रही थी। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जलेबी बनाई जा रही हैं। तो आप इस तरह से घर पर भी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो आप देखिए कितनी अच्छी जलेबी बनकर तैयार हो रही हैं। और जलेबी बनाने के लिए गाइस सबसे पहले ध्यान रहे कि जो कढ़ाई ली जाती है वो फ्लैट सरफेस की होनी चाहिए, तभी जलेबी अच्छी बनकर तैयार होती है। जलेबी का जो बैटर तैयार होता है वो ऑल पर्पज़ फ्लावर यानि कि मैदा, ग्राम फ्लावर यानि कि बेसन, बेकिंग सोडा और पानी की सहायता से तैयार किया जाता है। और उसके बाद इस बैटर को एक मसलिन क्लॉथ में भरकर और अच्छे से उसके बैटर से अच्छे से स्पाइरल्स बनाए जाते हैं। इस तरह से गोल गोल करके जलेबी बनाई जाती है और फिर उसको अच्छे से गर्मा गर्म तेल में अच्छे से उसको डीप फ्राई किया जाता है, तब जाकर जलेबियाँ बनकर तैयार होती हैं। बैटर अच्छी तरीके से बना होना चाहिए तभी जलेबी अच्छी बनती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी रॉयल बेकर्स पर जो भी स्ट्रीट फूड तैयार किया जाता है वो कस्टमर्स की आंखों के सामने ही तैयार किया जाता है और बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी खाना वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कभी भी आप नासिक में जाएं तो रॉयल बेकर्स पर एक बार स्ट्रीट फूड ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी वहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलता है। तो देखिए जलेबी एक साइड से अच्छे से सेक चुकी हैं, तो अब जलेबी को पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छे से सेका जाता है जिससे कि दोनों तरफ से जलेबी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स जलेबी तो सभी को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, मेरे को भी जलेबी बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके बाद जब जलेबी अच्छे से सिक जाती है तो उसको शुगर सिरप में डिप किया जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी सी चाशनी में जलेबियों को डुबोया जाता है जिससे कि चाशनी जलेबी के अंदर तक अच्छे से पहुँच जाए। और फ्रेंड्स जो जलेबियों में जो क्रिस्टलाइज शुगर होती है यानी कि बहुत ही अच्छी सी जो मिठास होती है उससे जलेबी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी कह लो आप या बहुत ही ज़्यादा क्रंची कह लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जलेबी थी नासिक की। तो आप कभी भी नासिक में जाएं तो एक बार जूसी, क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची जलेबी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए जलेबी को जब शुगर सिरप से अच्छे से कोट कर दिया जाता है उसके बाद अच्छे से जलेबियों को एक ट्रे में रख दिया जाता है और फिर जब कस्टमर्स जलेबी को ख़रीदने के लिए आते हैं तो फिर जलेबी को पैक किया जाता है। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जलेबी बनकर तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छा कलर है जलेबी का। और देखिए इस तरह से जलेबी पैक की जाती हैं और फिर ये जलेबी जो है तौल के हिसाब से वहाँ पर आपको मिलती हैं। तो ये देखिए अब इसको तौला जाएगा कि ये कितने इसका जो वेट है वो कितना हुआ। और ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हैं जलेबी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।